नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा के निशाने पर एक बार फिर से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा रहे। पीसीसी सचिव गोविंद सिंह डोटासरा ने किरोड़ी लाल मीणा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार का मंत्री है वह खुद ही भीख मांग रहा है। ऐसे में जनता इन नेताओं पर क्या भरोसा करेगी? इन मंत्रियों की खुद की नहीं चलती, एक चपरासी का तबादला करवाने के बस की इनकी बात नहीं है। भजन लाल की डबल इंजन सरकार सिर्फ पर्ची के सहारे चल रही है। डोटासरा ने दावा किया है कि 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों में सभी सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। देवली निहरा सीट को रोमांचक बनाने वाले नरेश मीणा अब अपने बेलगाम बयानों की वजह से चर्चा में रहने लगे हैं। कांग्रेस द्वारा नरेश मीणा को निष्कासित करने के कुछ देर बाद ही एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें नरेश मीणा के पोस्टर फाड़ने वाली मैडम का घाघरा फाड़ने की बात नरेश मीणा ने खुले मन से कही। नरेश मीणा के इस बयान के बाद अब पूरे राजस्थान में उनकी कड़ी निंदा हो रही है। इसके साथ ही सांसद हरीश मीणा ने भी नरेश मीणा को उठाई गिरा और चोर तक की उपाधि दे डाली। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने उन ताकतों का साथ मिलाया है जो भारत को तोड़ना चाहती है। राहुल गांधी जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ही हिंदू आतंकवाद की बात की और सेना पर सवाल खड़े किए थे। वहीं उन्होंने कहा कि क्या हम आने वाली पीढ़ी को विभाजित भारत देना चाहते हैं? एक राजनीतिक दल का लक्ष्य केवल सत्ता में आना है, भले ही भारत की विभाजित हो जाए। अनुच्छेद 370 बहाल करने में इंडी गठबंधन शामिल है। हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड नंबर 1 में नगर परिषद की करीब 7.5 बीघा भूमि की 4 दीवारी के निर्माण का कार्य शिलान्यास आज विधायक गणेश राज बंसल व नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने किया। इस भूमि में नगर परिषद अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करवाया जाएगा। सभापति सुमित रणवा ने बताया कि जंक्शन में वार्ड 1 में पड़ी नगर परिषद की करीब 7.5 बीघा भूमि में नगर परिषद कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा। क्वार्टर बनने से किराए के मकान में रहने वाले व अन्यंत्र जिलों से यहां पदस्थापित होने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान की 23,000 खानों पर छाए संकट के बादल अब छट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजस्थान सरकार की याचिका पर सुनवाई के बाद खनन कार्य जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा यहां काम करने वाले 15 लाख लोगों को मिलेगा। खनन पट्टों के बंद होने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद से ही इनकी नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने अनुपालन के लिए समय बढ़ाने को मंजूरी दे दी। इस मामले में अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा ने दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए अब कम समय बचा है, ऐसे में सियासी पारा बढ़ गया है। इस बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने उपचुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर देश के साथ अन्याय करने का आरोप लगाया है। मदन दिलावर ने अलवर के रामगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस उन लोगों का समर्थन करती है जो देश के साथ अन्याय करते हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल के ऑडिटोरियम में 9 से 10 नवंबर को ओपन नॉर्थ जोन पैरा कबड्डी भटनेर कप 2024 का आयोजन होगा। पहली बार आयोजित हो रही प्रतियोगिता का उद्घाटन 9 नवंबर को सुबह 10:15 बजे होगा। समापन समारोह 10 नवंबर की शाम 4:15 बजे होगा। आज हनुमानगढ़ पहुंची पैरा कबड्डी एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष देविका मलिक ने भटनेर कप 2024 के आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों और टीमों से मिलकर उन्हें टूर्नामेंट के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस टूर्नामेंट के महत्व और पैरा कबड्डी के बढ़ते प्रभाव को फिर भी प्रकाश डाला। एसआई भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मनोज मीणा को आखिरकार 4 दिन बाद जमानत मिल ही गई। मनोज मीणा को 5 नवंबर को आमरण अनशन पर बैठने से पहले ही पुलिस ने गांधीनगर से गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद कोर्ट ने मनोज मीणा को सेंट्रल जेल भेज दिया था। गौरतलब है कि एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर मनोज मीणा ने सरकार को 4 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर 5 नवंबर से आमरण अनशन की चेतावनी दी थी, लेकिन आमरण अनशन स्थल पर पहुंचते ही मनोज मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। नवंबर का दूसरा सप्ताह शुरू होने के साथ ही अब प्रदेश का मौसम लगातार बदलने लगा है। बीते कुछ दिनों से दिन में पड़ रही तीखी धूप से जहां लोगों को राहत मिली है, तो वहीं रात के तापमान में भी लगातार गिरावट होने के साथ ही लोगों को सर्दी का एहसास होने लगा है। गौरतलब है कि बीते 2 सप्ताह से जहां सुबह और शाम को गुलाबी सर्दी लोगों को राहत दे रही थी, तो वहीं दिन में सूर्य की तपिश लोगों को सता रही थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 सप्ताह में दिन और रात के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री की ओर गिरावट होने की संभावना है।
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी भरे संदेश और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में पुलिस की पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य होने का दावा करने वाले आरोपी भीखाराम बिश्नोई ने कहा है कि उसे बिश्नोई समाज के लिए जेल जाने का कोई अफसोस नहीं है। मुंबई पुलिस के अनुसार मामले में कर्नाटक से गिरफ्तार किए गए इस शख्स ने दावा किया है कि वह बिश्नोई समाज के लिए जेल जा रहा है। साथ ही उसने सलमान खान से 5 करोड़ रुपए मांगने के पीछे की वजह भी बताई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।